तो फ्रेंड जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे सीपीयू निकल रहा है। सीपीयू निकलने का रीजन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये फोन लो वोटिंग पे था। जब आपने एम्पेयर पे लिया था तो उसमें एम्पेयर एक दो कंज्यूम कर रहा था, तो इसका मैंने जब डायग्नोज किया तो सीपीयू से प्रॉब्लम था। तो सीपीयू इसके हम निकाल रहे हैं और निकालने का पूरा प्रोसेस है। आप ये डेड सेक्शन में ले रहा हूँ, बाकी आप ये मत कमेंट करना कि अरे आपने डायरेक्ट सीपीयू निकाल दिया है। आप ये भी वीडियो देख सकते हो कि सीपीयू को हम कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, एक लगाने का प्रोसीजर भी आप देख सकते हो। बट फाइंड ये था कि ये फोन लो बूटिंग में था। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा रेडमी का Y1 मॉडल है और इसकी सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस। तो अभी ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, उससे पहले हमारा जो था हमने सीपीयू को निकाला हुआ है, उसके बाद ये क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। ये हमारे स्टूडेंट ही कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये लाइव कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फेक वीडियो है। आप वीडियो में जो भी था डेट हमने मेंशन किया हुआ है, बाकी आप इसको वीडियो को ये भी देख सकते हो कि इसमें हम कैसे सीपीयू को क्लीन करते हैं, कैसे सीपीयू निकालते हैं, इस सारा प्रोसीजर आप देख सकते हो। तो अभी जो प्रोसीजर चल रहा है रोजन मेथड यूज से, और यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, और क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है उसके बाद यहाँ पे हमारा आईसी रिवॉल्व होगा, क्योंकि फुल स्टेप आपको दिखाया जा रहा है। और लास्ट में आप ये भी देखिएगा कि हमारा काम होता है कि नहीं होता है, सक्सेस होता ही होता है, क्योंकि ये कोई भी एडिट वीडियो नहीं है, ये लाइव प्रैक्टिकल ही है। क्योंकि इसमें लो बूटिंग का प्रॉब्लम था, और लो बूटिंग आपको पता ही है कि कहाँ से हो सकता है। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी प्रोसेस चल रहा है हमारा क्लीनिंग का। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन सरफेस हो चुका है। अब सरफेस जब क्लीन हो गया है तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आईसी को रिवॉल्व करेंगे। आईसी को रिवॉल्व करने के बाद फिर उसको लगाएंगे। तो देखिए हमारा ये रिवॉल्विंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। स्टेंसिल लिया, कवर किया, पीपीटी अप्लाई किया और उसके बाद इसको रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्विंग के टाइम पे भी आपको सारी चीजें ध्यान देनी होती है, कितना हेड, कितना एयर और कितना क्या पीपीटी डालना होता है, सारा चीज। तो ये हमारा प्रोसेस रिवॉल्विंग का चल रहा है। पहले निकला, उसके बाद क्लीनिंग, उसके बाद रिवॉल्विंग। अब इसको लगाने की बारी है फ्रेंड, तो इसको लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लीनिंग कर लिया था और रिवॉल्व कर लिया था, अब उसको हम लगाएंगे। तो हल्का सा पेस्ट डाल के पहले आप हिट कर ले। ये हमारे स्टूडेंट है, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट का आउटपुट है और ये स्टूडेंट कर रहे हैं लाइव प्रैक्टिकल की क्लास में। तो पीपीटी थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई किया, उसके बाद अब यहाँ पे सीपीयू को लगाएंगे। सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा पेस्ट डाल के हिट किया जा रहा है। उसके बाद हमारा क्लीनिंग हो चुका था, क्लीनिंग के बाद हमारा आप देख सकते हैं रिवॉल्विंग हो गया। रिवॉल्विंग के बाद फ्रेंड्स अब उसको सीपीयू को हम लगाएंगे। लो बूटिंग पे था ये फोन और देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर होता है कि नहीं होता है। सारा स्टेप डैड को अगर आपको फाइंड करना है तो प्रॉपर क्लास ज्वाइन करना होता है, क्योंकि कोई भी डैड को शुरू से लेकर लास्ट तक डिफाइंड नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अभी हिट करेंगे, अभी फिक्स कर रहे हैं सीपीयू को। सीपीयू को फिक्स करने के बाद हिट देंगे चारों तरफ। पहले आप कभी भी स्टे हिट दें, उसके बाद फिर अपने हाथ को मूवमेंट करें। अभी स्टे हिट देंगे, स्टे हिट देने के बाद फिर आपको देखें, अभी आपको 10 सेकंड तक स्टे हिट देना है, उसके बाद आपको मूवमेंट करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारी आईसी अगर ज्यादा पेस्ट होने के कारण अगर आईसी आपकी भगती है तो तुरंत आप एसएमडी को रिमूव कर सकते हैं। चलिए अभी देखिए मूव कर रहे हैं, और मूव करने के बाद हमेशा एक फाइनल टच दे, जिससे हमारा ये पता चलेगा कि आईसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो बस हो जाएगा। ये आपके सामने लाइव कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में फाइनल में देखिएगा ये फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। ये वही फोन है जो हम आप आपको प्रैक्टिकल तौर से दिखा रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट डाला है, और पेस्ट डालने के बाद फिर से वही प्रोसेस, और लास्ट में फाइनल टच देंगे। साइड में पेस्ट आप उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा फाइनल टच करेंगे।
अगर आप एक बार में ही पेस्ट अप्लाई कर देते हैं तो दोबारा पेस्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे से आपको लग रहा है कि सरफेस से पेस्ट बाहर आ रहा है तो हमारा पेस्ट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नीचे से पेस्ट बाहर नहीं आ रहा है तो आप पेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। चलिए उसके बाद फाइनल टच देंगे। फाइनल टच देने के बाद फोन को ऑन करेंगे। ये देखिए ये फाइनल टच है कि आपको हमेशा शायद दिख ना रहा हो बट यहाँ पे हल्का सा आईसी मूव करनी चाहिए और अपनी जगह में वापस आनी चाहिए। फाइनल टच से ये पता चलता है कि हमारे सारे बॉल एक दूसरे से मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फोन को हम लगा रहे हैं फोन और डीसी से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर फाइनली देखेंगे कि हमारा फोन ये ऑन होता है कि नहीं होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो ये फोन आप देखेंगे अभी प्रॉपर तरीके से हमारा ये ऑन हो चुका है, एमआई का लोगो आ गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।